धीरे धीरे नहीं, तेज तेज पंच मारो ताकि खून में गर्मी आए। गर्मी नहीं आएगी तो फालतू चर्बी नहीं गलेगी। अरे प्रशांत, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तुम्हें तो आराम करना था ना। तबीयत तो बिगड़ेगी ही ना सर। चुप कर रविंदर, फालतू मत बोल यार। वो फालतू गिरी ना करे, वो फालतू ना बोले, पर तू चाहे जितना फालतू गिरी कर। तुम लोग आपस में क्यों लज गए? आखिर बात क्या है, पूरी बात तो बताओ। कुछ नहीं सर, ये लोग तो ऐसे ही जरा सा चक्कर आ गया, थोड़ी कमजोरी महसूस हुई इसलिए मैं गिर गया। इसके चक्कर और कमजोरी का राज हम जानते हैं सर, हम सब एक ही जगह पे काम करते हैं, ये तो आपको पता ही है। पर ये नहीं जानते सर कि प्रशांत का मन काम में कम और दूसरों कामों में ज्यादा लगता है। दूसरा काम? मैं कुछ समझा नहीं। हमें भी समझने में देर लगी थी सर, ये साला सारे दिन लड़कियों को पटाने में व्यस्त कर देता है। बस भी करो ना यार, सालो जरा सा गिर के गए, तुम लोगों ने तो मेरा कैरेक्टर ही गिरा दिया। अबे गिरे हुए कैरेक्टर को कोई गिराता है क्या? साले जरूरत से ज्यादा मेहनत करेगा ना तो कैरेक्टर से भी गिरेगा और लाइफ से। ये मैं क्या सुन रहा हूँ प्रशांत? कुछ नहीं सर, ये लोग तो ऐसे ही वो दिन भूल गया था बेटा जब स्टोर रूम में लड़की के साथ रोमांस करता हुआ पकड़ा गया था। अभी तो क्या हुआ साले, तुम लोग तो मेरे ऐसी बुरे कर रहे हो जैसे सबके सब दूध के धुले हो। ऑफिस में आने वाली काम करने वाली किसी भी लड़की ऐसे घूरते हो जैसे कच्चे चबे जाएंगे। ये अलग बात है कि इनकी दाल गलती नहीं और मेरी फ्रेंडशिप हो जाए। उसी फ्रेंडशिप का ये नतीजा है, साले जवानी में हाल है तो बुढ़ापे में क्या करेगा तू। अजय बिल्कुल ठीक कह रहा है प्रशांत, हति हर चीज की बुरी होती है। जिस तरह ज्यादा खाना खाने से पेट खराब, ज्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाता है, उसी तरह ज्यादा सेक्स करने से शारीरिक कमजोरी आती है। मैं ये नहीं कहता कि ये सब नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, जरूरी है, इंसान की बेहद जरूरी किया है कि इसीलिए समाज में शादी विवाह की रीत बनाई गई है। शारीरिक के साथ साथ सामाजिक जरूरतें भी पूरी तरह निभा सको। तो शादी के मंडप से पहले लगता है कि चिता पलट जाएगा। अबे अब भी संभल जा तू और तौबा कर और जाके अपना चाय भी टेस्ट करा ले। जी आधना, अपने ही यहाँ काम करता था, तेरी ही तरह रंगीन मिजाज था। साला खुद तो एड से मर गया, पीछे छोड़ गया अपनी इकलौती जवान बहन, बूढ़े माँ बाप और एक शरीफ सीधी शादी औरत को दे गया। ये लाइलाज बीमारी जो आज उसी विधवा के रूप में हर पल मौत की तरफ बढ़ रही है। ये लोग ठीक कहते हैं प्रशांत, पहले तो तुम जाकर अपना चाय भी टेस्ट कराओ। दूसरा कसम खाओ, अपने उन होते बूढ़े माँ बाप की जिंदगी में ऐसा कोई गलत काम नहीं करोगे जिससे उन बूढ़े कंधों पर तुम्हारी जवान लाश जिंदगी ढोने का बोझ हो जाए। अपनी जिंदगी, अपना शरीर और अपना भविष्य इंसान खुद बनाता है। हर बुरी चीज हासिल बहुत ही जल्द होती है और बुरे परिणाम उतने ही जल्द देती है। वक्त रहते संभल जाओगे, पूरा परिवार बेमौत मरने से बच जाएगा। अभी सुन लिया ना, लड़की और बस के पीछे कभी मत भागो, थोड़ा इंतजार करो, साली खुद खुद आपके पास आ जाएगी। और जो पीछे भागा उसे अपने साथ ले जाएगी।